उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी महाभाग कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, अब आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ अशुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। आपके महान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा ले इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहाँ से चले दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे, मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं? स्वयंवर में आए हुए नरेशों में सबको छोड़कर यह मेरा ही वरण करे, यह कैसे संभव हो सकता है? समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को ही देखकर प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा विचार करके काम से विहल हुए मुनीश्वर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले, भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृतांत कहूँगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, मुने, अब आप अपने मन की बात कहिए। तब महर्षि नारद जी ने कहा, भगवान, आपके भक्त जो राजा शील निधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। प्रभो, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं में वहाँ सहस्त्रों राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। महर्षि सूत जी कहते हैं, महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, मुने, तुम अपने अभीष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूँगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को वानर का मुख दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृत्य कृत्य मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया है इसको वे समझ न सके। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस सभा में जा बैठे और वहाँ बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुनि को उसके पूर्व रूप में ही देखा था। राजकुमार आदि कोई भी उसके रूप परिवर्तन के रहस्य को ना जान सके। वहां नारद की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के दो पार्षद आए थे।
जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहाँ बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश से मूड हुआ जान वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु मुनि तो काम से विहल हो रहे थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में वह सुंदरी कन्या स्त्रियों से घिरी हुई और अंत में पुरुष से वहां आ गई। उन्होंने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभा शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई भरी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उन परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुँचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसीलिए वे अत्यंत विहल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विहल नारद जी से उसी क्षण बोले। रुद्रगणों ने कहा, हे नारद, हे मुने, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना वानर के समान घृणित मुंह तो देख लो। महर्षि सूत जी बोले, महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देख के तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिव गणों को वहां शाप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वे दोनों शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों ने वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा ही मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। अध्याय 3। महर्षि नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और शाप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना, तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझा कर भगवान शिव का महत्व जानने के लिए महर्षि ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश देना और शिव के भजन का उपदेश देना। महर्षि सूत जी कहते हैं, महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिव गणों को यथोचित शाप देकर भगवान शिव के इच्छावश मोह निंद्रा से जाग न सके। वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्साह क्रोध लिए विष्णु लोक को गए और समाधि पाकर प्रज्वलित हुए। अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले, उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वचन पूर्ण व्यंग सुनाने लगे। महर्षि नारद जी ने कहा, रे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। तुम दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे नहीं सहा जाता। तुम मायावी हो
तुम्हारा अंतकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने ही मोहिनी रूप धारण करके कपट किया था, असुरों को वर्णुई मदरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे, यदि हरेश्वर रुद्र दया करके विष ना पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव ही पश्चाताप कर रहे होंगे। भगवान वीणा वाणी वेद की प्रमाणिकता स्थापित करने वाले महादेव ने जो ब्राह्मण को सर्वेश्वर बताया है, हरे इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें सीख दूंगा, जिससे तुम फिर कभी ऐसा कार्य नहीं करोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा है, इसीलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप में तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त होगा। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब इस तरह का शाप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदनंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस समय के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्होंने पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया, उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ, वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदनंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, यह सब कुछ मेरा माया जनित भ्रम ही था, वैश्व शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे यो बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं, आपको शाप तक दे डाला। प्रभो, उस शाप को आप मिथ्य कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हरे, मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय करूँ, कौन सा प्राश्चित करूँ जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में ना गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था, तब विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा। विष्णु बोले, तात, खेद न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, उसे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में जाना नहीं पड़ेगा, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी का अपराध भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। तुमने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं, वे ही पार ब्रह्मा परमात्मा है, उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप से बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार हैं, सतत्व रज और तम, इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर
महर्षि ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा महेश्वर, पार ब्रह्मा, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा में ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव रूप से सबके साक्षी हैं। माया से भिन्न और निर्गुण है। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार, आचार व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुनि, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाशक और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संचों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयस का गुणगान करो और सदा अनन्य भाव से शिव के शतनाम स्त्रोत का पाठ करो। मुने, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो, उन्हीं के यश को सुनाओ और गाओ तथा नित्य प्रति उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। नारद जी, जो शरीर और मन वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। वह जीव मुक्त कहलाता है। भगवान शिव इस नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है और कटु सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत जो पताक रूपी वृक्ष हैं, उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पावदा अग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है। भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण रूपी संसार के बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर माँ जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदा शिव का भजन करो और नित्य शिव की ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया करो। मुनि श्रेष्ठ, आपके हृदय में भगवान शिव के उज्जवल चरणार विंदो की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो। मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महत्व का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन काशी को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहाँ भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन और पूजन करो। विशेषता है उनकी स्तुति वंदना करके तुम निर्विकल्प संशय रहित हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक जाना चाहिए। वहाँ अपने पिता श्री ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्ण हृदय से बारंबार भगवान शिव महिमा के विषय में प्रश्न करने चाहिए। श्री ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महत्व और शतनाम स्त्रोत सुनाएंगे। मुने, आज से तुम शिव आराधन में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण और वंदन और स्तवन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अध्याय 4, महर्षि नारद जी का भगवान शिव के तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों को शाप उद्धार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर भगवान ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना।
श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है। यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे उनके दिए हुए शाप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदर पूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वहां कुछ समय जानकर हमने चुप रहना ही उचित समझा, अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ। प्रभो, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। श्री नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसीलिए आप दोनों को शाप दे दिया। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वैसा ही होगा, तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शापो उद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर, विशर्वा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिया होंगे और भगवान शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। महर्षि सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महात्मा नारद की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो सानंद अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव प्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके महर्षि नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम और परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विहल हो उनका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। निरंतर भगवान शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुति की। उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। महर्षि नारद बोले, ब्राह्मण, पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महत्व का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुनना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः प्रभो, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप, तत्व, प्रकाट्य, विवाह, गृहस्थ, धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह, ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों
उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ, भगवान शिव और माता शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा श्री कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभो, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी हैं, किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता महाब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। अध्याय 5। महाप्रलय काल में केवल सद ब्रह्मा की सत्ता का प्रतिपादन उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्रकाट्य, सदाशिव द्वारा स्वभूता शक्ति माँ अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंद वन का प्रादुर्भाव, भगवान शिव के वामांग से परम पुरुष भगवान विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। भगवान ब्रह्मा ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनुमय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो रहा था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अनन्य ग्रह और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था और न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सूना आकाश मात्र शेष था, दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी, आदर्श आदि का भी अस्तित्व नहीं था, शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे, गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी, रस का भी अभाव हो गया था, दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तद सद ब्रह्मा इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगीजन अपने हृदय आकाश में भीतर निरंतर देखते हैं। वह सत्य तत्व मन का विषय नहीं है, वाणी भी वहां तक कभी नहीं पहुंच सकती। वह नाम तथा रूप से भी शून्य है, वह न स्थूल है, न कृश है और न हास्व, न दीर्घ तथा न लघु, न गुरु, उनमें न कभी वृद्धि होती है और न ह्रास होता है। श्रुति भी उनके विषय से चकित भाव से हैं, इतना ही कहती हैं, अर्थात उनकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती हैं। उनका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाता है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप आनंद परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निराआरंभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्हमय है। जिस पार ब्रह्मा के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उससे कुछ काल के बाद षष्ठी का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्व ज्ञानमयी शुभ स्वरूपा सर्वव्यापिनी सर्वरूपा सर्वदर्शिनी सर्वकारिणी सबकी एकमात्र वंदनीय सर्वधा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उन शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाशक चिन्हमय सर्वव्यापी और अविनाशी पार ब्रह्मा अंतर्हित हो गया।
जो मूर्ति रहित पार ब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्हमय आकार भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति माँ अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को शोभा देते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उनके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। यह अचित्य तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनी है और सदा उधमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वंश अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर भगवान शिव भगवान शंभु और महेश्वर जी कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कारपूर के समान गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रीतम रूप शक्ति और शिव जो परम आनंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंदनी रूपनी है। मुने भगवान शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद हेतु का है, इसीलिए पिनाकधारी भगवान शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था, इसके बाद अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देव ऋषि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए भगवान शिव और शिवा के मन में यह इच्छा हुई कि दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उताल तरंगे उठ उठ कर इसे चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सद्गुण स्वरूपी रत्न तमोगुणी रूपी ग्राह और रजोगुणी रूपी मूंगे भरे रहते हैं। एक विशाल चित समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुख पूर्वक निवास कर सके। यह आनंदवन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति रहित सर्वव्यापी परमेश्वर भगवान शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उनकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उनके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर सुवर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे।
किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुज दंडों से सुशोभित हो रहा था। तदन अंतर उस पुरुष ने परमेश्वर भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, भगवान शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव से श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदन अंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे, और शक्ति सहित परमेश्वर भगवान शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुने उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष भगवान विष्णु ने स्वयं उस जल से शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण पड़ा। यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष भगवान नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। इसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्रकृति से महत्व प्रकट हुआ और महत्व तत्व से तीनों गुण। इन गुणों के भेद से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से पांच तन्य मात्राएं हुई और उन तन्य मात्राओं से पांच भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इसमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष भगवान नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। अध्याय 6 भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिव इच्छावश श्री ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा जी का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके और छोर का पता न पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत था। परम रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके श्री नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार कमल के पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे चार मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा ओर से अंकित थे। तात भगवान सदाशिव की माया से ही मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना।
मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है और मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्रयुक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के नीचे भीतर की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुने, उस कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोष को न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई।